आरी भाइयों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ ऑन लिमिटलेस इंडियन। आप सभी का भाई जसप्रीत एक और बढ़िया सी मस्त सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ। उम्मीद यही है कि जितने मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं और भाई इस वीडियो को, इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, सारे बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बहुत ही प्यारी जगह पे हैं भाई। अगर आप देख सकते हो इस साइड, अगर आप देखते हो तो ये है कैनेडा, अगर आप उस साइड देखते हो ये है जी अमेरिका। डिट्रॉइट रिवर है ये। कई भाइयों के मन में ख्याल होगा कि भाई जसप्रीत भाई आज इतनी बढ़िया जगह पे कहाँ पे घूम रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात यही करना चाहूँगा, कई भाइयों ने है ना हमारी लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार किया और काफ़ी सारे मैसेजेस किए कि भाई आपने क्या रीज़न है आपका गाड़ी लेने का नहीं, और क्यों आप नई गाड़ी ले रहे हो ना। और भाई कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। सो ये गली सी है, ये पार करने वाला हूँ। सो भाई आज मैंने सोचा कि यार गाड़ी आई को आज अराउंड 15 से 20 दिन हो चुके हैं, भाइयों के आगे गाड़ी रिवील कर दी जाए। तो गाड़ी ऐसी है भाई कि ये है जी हमारी गाड़ी, जीप रैंगलर लिया तुम्हारे भाई ने। अब कई भाइयों को भाई पहले से ही पता था क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो आग की तरह भाई बात फैल जाती है, आपको पता ही है। उसके बाद पर भाई ये रही कैनेडा के अंदर आपके भाई की 5वीं या 6ठी गाड़ी, आई थिंक 6ठी गाड़ी है ये। सो अब गिनवाए तो आपको, सबसे पहली गाड़ी मेरी थी माज़दा प्रोटेजे, आपको पिक्चर दिख जाएगी। दूसरी गाड़ी थी मेरी निसान माइक्रा, वो भी आपको पिक्चर में दिख जाएगी। और भाई 2014 शेवी कमैरो वो तो आपने आई थिंक एक आधे ब्लॉग में देख रखी है। उसके बाद थी 2016 टोयोटा, नहीं नहीं 2017 कमैरो। उसके बाद हमने 2017 कमैरो ली, फिर हमने 2016 टकोमा लिया, वो भी आपको पता ही, आपने चैनल पे देख रखा। उसके बाद आई है 2020 जीप रैंगलर, भाई की पर्सनल डेली ड्राइवर, बढ़िया गाड़ी। और भाई इस गाड़ी के इतने सारे फीचर हैं ना, एक फीचर नहीं बहुत सारे फीचर हैं। और ये एक गाड़ी नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि ये एक ही कार है, ये एक गाड़ी नहीं है, ये SUV 4-door कार है, SUV है, 4x4 है। स्नो में, विंटर में, बारिश में, मिट्टी में, कीचड़ में, कहीं ले जाओ वहाँ चली जाएगी। जो इसके टॉप हैं, छत खुल जाती है, दरवाजे रिमूव हो जाते हैं। और गर्मियों में ये एक हमारी कन्वर्टेबल, एक हमारी समर कार बन जाती है। उसके बाद दो फीचर हो गए, ऑफ रोडर, कन्वर्टेबल गाड़ी होगी, दो तरीके की गाड़ी होगी। उसके बाद बात करते हैं भाई 4-door है ये, तो फैमिली कार, स्पेशली अगर पेरेंट्स मेरे इंडिया से आते हैं। और कई भाइयों ने तो भाई की शादी करा दी, भाई भाई की शादी करा दी। और नहीं भाई रुक जाओ, थम जाओ, थोड़े थम जाओ, सब बातें आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में, ब्लॉग्स में बताई जाएंगी। थोड़ा थम जाओ कमेंटों में, थम जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैमिली कार, और भाई फोर्थ अगर मैं इस गाड़ी को टो करना चाहता हूँ किसी और ट्रेलर के साथ, मेरे को इसके अंदर टो पैकेज भी मिला हुआ है। और भाई यहाँ पे ना अब मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी को पहले मैंने कराना है वॉश, इसे कार वॉश करा लूँ, वॉश करा के ना उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपरली इसका रिव्यू दे पाऊँगा। और क्या होता है कि यार मोस्टली जितने हमारे इंडियन भाई हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं गाड़ियों पर ना, वो ज़्यादातर ये होता है कि वो चलाते नहीं है। स्पेशली इस गाड़ी को मैंने किसी भी यूट्यूबर अपने भाई को चलाते हुए नहीं देखा, तो भाई इसे ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के बाद आपसे बातचीत करते हैं कि भाई ये गाड़ी है कैसी, असल में ये गाड़ी की राइड कैसी है, क्योंकि प्राइस और रिव्यू तो इसका ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने खुद ने देखी, आपने भी देखी होंगी, पर हम इसे चलाते हैं, इसकी राइड क्वालिटी देखें और अंदर से देखते हैं भाई गाड़ी कितनी की लग्जरी है। हाँ जी भाई, तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ भैया, जीप के अंदर जीप तो ये मेरे प्यारे भाई, मेरे कजन लवप्रीत ने मुझे दिया था, और ये जिस दिन हमने गाड़ी ली थी, लवप्रीत, अक्षत और विलियम भाई मेरे, शाउट आउट टू दीज 3, लव यू गाइस। इन तीनों ने मेरे को ये छोटी सी गाड़ी गिफ्ट करी थी कि भाई आप गाड़ी में इसको सजा दो। उसके बाद भाई कई भाइयों को लगता हो गया ना गाड़ी अपनी नहीं है भाई, किसी रीजन से कहीं मांग मूंग के तो नहीं ले आया, भाई गाड़ी अपनी है। और आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर खलारा देख सकते हो, जैसे हम गाड़ी में रहते हैं ना, ये मेरी पानी की बोतल है, गंद देख सकते हो गाड़ी के अंदर, पीछे आप मेरा सामान देख सकते हो। सो कोई वहम नहीं रहना चाहिए, वो सेफ्टी वेस्ट है जो हम ट्रक में पहनते हैं ना, मेरा पेपर वर्क है जो मैं ट्रकिंग करता हूँ आजकल, ट्रकिंग व्लॉग भी जल्दी आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया ज़्यादा ट्रकिंग व्लॉग हमने नहीं डाला। सो ये डेली ड्राइवर है मेरा, जिससे मैं लास्ट लगा लो 15-20 दिन से ना पूरा मज़ा आ रहा है भाई, जहाँ मर्जी ले जाओ ये, यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसे खोल दो ना, ये भी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस, बिल्कुल डोंट वरी, हो जाओ, दिखाऊंगा मैं आपको सारा कुछ। तो उसके बाद अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास है हम, वो USA है, कैनेडा है। सो हम यहाँ से निकल के पहले कराते हैं कार वॉश तक पहुँचने से पहले हम आपको दिखाएंगे भाई राइड क्वालिटी कैसी है, और कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे हम चला लिए अपनी गाड़ी,
यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा एरिया भाई हमारे घर के पास जहाँ पे हम मूव हुए हैं अभी, तो वो थी मेन खुशी कि मैं भाई नए घर में मूव हो गया और नई जगह पे मूव हो गया। और आप सभी ने ना भाई की क्लास लगा दी कि भैया आप तो शादी कर रहे हो नहीं, आप तो ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। तो ये हमारी ड्राइव है, रिवर साइड ड्राइव। और आपको कई भाइयों को ना मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। हिंट क्या मतलब, आपको मैं बता दूंगा कि भाई हम मूव कहाँ पे हुए हैं, किस बिल्डिंग में मूव हुए हैं। सो ये तो हमारे यहाँ पे कैसीनो है इस एरिया में, और ये रोड रिवर साइड ड्राइव है इस रोड का नाम। भैया जी अब पहुंच मत जाना प्लीज। सो काफी सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स अगर आप देख सकते हो, तो ये जो ये वाली बिल्डिंग है ना भाई, यहाँ पे तुम्हारा भाई मूव हुआ है। जल्दी 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 होम टूर आ रहा है। होम टूर की तो भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रखी है ना, बात ही छोड़ दो। लाइक के भैया आपका जो है ना होम टूर हमने देखना ही देखना, तो जल्दी आ रहा है वो भी, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन लाइट हो चुकी है, निकाल लेंगे। ये डाउनटाउन एरिया, डाउनटाउन विंडसर और कनाडा। अगर आप झंडा देख सकते हो, झंडा देख के पता लग जाएगा भैया जी हम कहां पर घूम रहे हैं। यहां से हम लेंगे लेफ्ट, यहां से हमने लेना है लेफ्ट, यहां पे रुक जाएंगे। तो हाँ जी गाइस, अभी हो रही है ड्राइव गाड़ी की। तो जैसे कि आपको कहा था कि यार आपके जो यहाँ पे क्लस्टर है ना यार, ये सब कुछ जो ड्यूल साइड क्लाइमेट कंट्रोल है मेरी गाड़ी में, इस साइड जो बैठा अपनी ठंडी की गर्म हवा ले भाई, तो अपने हिसाब से एसी हीट जैसे मेरे को अच्छी लगती है वैसे ही रखूंगा ना। सो ड्यूल साइड जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। उसके बाद भाई पावर स्टेयरिंग, तो चलो बातें छोटी हो गई, स्टेयरिंग पे इतने सारे कंट्रोल हैं, इवन के स्टेयरिंग के इस साइड पे अंदर की साइड भी कंट्रोल दे रखे हैं इन्होंने, हैं वो बहुत प्यारे लगे। उसके बाद यार जो ये छत उतर जाती है ना, सिर्फ दो ये पीस उतार दो और जन्नत घटती है। जन्नत दिखाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन ना लो। जो आप मेरी सीट्स देख सकते हो ना, लेदर सीटें भाई, और इसके अंदर हमें हीटेड सीट्स भी मिली हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा सारे कंट्रोल यहाँ पे, और जो भाई मजा आता ना, सीधा यहाँ से हाथ निकालो और चला लो, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है भाई। रेड लाइट पे खड़े हो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, जो मैंने अभी बंद कर रखा है, बार बार बंद हो जाती है यार। खड़ी करो बंद, खड़ी करो बंद है ना। सो दैट लुक्स लिटिल बिट स्टूपिड है ना। तो दिन देख लो यार, आज तो दिन ऐसा हो रखा है कि छत करेंगे है। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है भाई, सो जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इन्होंने 4x4 का सारा सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। सो यही इसीलिए यहाँ पे जो गियर नॉब्स हैं दो हैं, एक हमारे 4x4 सिस्टम के, एक हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसके बाद भाई अगर आप इसके मैट्स देखते हो ना, सारे ऑल वेदर मैट्स लगे हुए हैं सारी गाड़ी के अंदर, जिससे होता ये है कि अगर आप पैर गीले है ना, कीचड़ वाले पैर लगे इसमें बढ़ते भी हो, सो आपका कारपेट गंदा नहीं होता, पानी मारो नीचे से सारा कोई ड्रेन हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो गाड़ी होती है ना हमारे यहाँ पे, ये गाड़ियाँ पुल्स की होती है। मैंने गाड़ी हल्की साइड से देखी और भाई साहब मेरे को था ना हार्ट अटैक आने वाला था के कोई बात नहीं, पर कंटेंट बनाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट बनाएंगे ना। सो उसके बाद ये सारा 4x4 का सिस्टम लगा भाई, स्वे बार्स वगैरह ना डिलीट करनी है आपने, डिफरेंशियल बंद करने हैं, कुछ भी करना है। सो सारे का सारा ऑफ रोडिंग इसमें होगी। आप ये ना सोचो कि भाई ने जीप रैंगलर ले लिया तो ये सिर्फ लग्जरी गाड़ी ली है मैंने, ना भाई ऑफ रोडिंग पे भी चलेंगे। अच्छा सा कोई यहाँ पे विंडसर का जो है ना ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे ऑफ रोडिंग का, और फिर दिखा के लाएंगे आपको कि ऑफ रोडिंग गाड़ी में होती कैसी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई, ये जो आर्म रेस्ट है ना, और जो बैठने का तरीका गाड़ी के अंदर, आपको ऐसे लगता है लाइक यू आर द किंग इन द जंगल इन द एंड यू आर इन द राजा इन द। सो दिस इज व्हाट यू फील, जो कि बहुत प्यारा लगता है, आपको मजा आता है ना। सीट बेल्ट मैंने आज लगा रखी है क्योंकि इसके जो ये वाले शीशे हैं ना काले नहीं करवा रखे अभी। और बताओ क्या बताऊँ यार ड्राइव के मामले में। हाँ सच यार, मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि भाई मेन चीज़ मैंने आपको बताई नहीं अभी तक। मेन चीज़ ऐसी है भाई, जब हम गाड़ी पे, इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, मुझे नहीं पता भाई कोई क्या कहता कोई क्या नहीं कहता, गाड़ी तो ये ऐसे से होती है, जो बॉडी रोल होता है ना स्कॉर्पियो वाला, जो जो मेरे भाई इंडिया में स्कॉर्पियो में बैठ रखे हैं, फॉर्च्यूनर नहीं बोलूंगा, पर जो स्कॉर्पियो में बॉडी रोल होता है, जो सफारी में बॉडी रोल होता है भाई, तो उससे जालिम बॉडी रोल इसमें होता है। अब होता इसलिए है, ये नहीं है कि गाड़ी में कोई कमी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ये जो हमारा पैकेज है ना, जो हमने पैकेज लिया है इस गाड़ी के अंदर, ये स्पेशल ऑफ रोडिंग पैकेज है। इसीलिए सिर्फ इसीलिए जो है ना, जो ये जो हुलारे होते हैं हमारे, जो ये होते हैं ना ये झटके, ये देखो अभी खड्डे आ गए, वो आपको बैठ के बहुत ज़्यादा फील होते हैं यार। मेरे को नहीं पता ना कि आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, पर अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मतलब यहाँ के रोड्स इतने अच्छे हैं, तब अगर मेरे को इतना फील होता है, तो आप इमेजिन कर लो कि अगर आप इस गाड़ी को इंडिया में राइड कर रहे हो, इंडिया में आप इसे घुमा रहे हो, तो भाई साहब
बहुत परेशान करेगी। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ना वीडियो में, भाई ऐसी गाड़ी है, वैसी नहीं है। पर हाँ, ये गाड़ी है शौकिया। अब शौक से मैंने भाई कमैरो एक नहीं, मैंने दो दो रखी हैं। सो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस गाड़ी में। मैंने इसमें अडेप्टिव कहते हैं ना, क्या कहते होते हैं कि अडेप्टिवनेस जो थी मेरी बहुत ज़्यादा ईजी थी। अब उसी से याद आया कि इसमें अडेप्टिव क्रूज़ भी है। गाड़ी पे क्रूज़ लगा के छोड़ दो, गाड़ी अपने आप धीरे और स्लो हो जाती है हाईवे के ऊपर। पर हाईवे के ऊपर जो विंड नॉइज़ है ना, ये अब कन्वर्टेबल टाइप है राइट, आप इसे रिमूव कर सकते हो। इसी वजह से जो इस गाड़ी की जो विंड नॉइज है, मेरी बहन आई थी कल परसों ना घर, सो उसने लाइक उसे मैं लेके आया हूँ, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी भाई इसकी वो जो वो क्वालिटी थी। शहर में क्वाइट है, इतनी ज़्यादा नॉइजी नहीं है। एवरेज के मामले में अगर मैं बात करूँ, मैं राइड कर रहा हूँ राइट, सो आई शुड बी टॉकिंग अबाउट एवरेज। एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर यार SUV ऊपर से जीप, ऊपर से लाइक अगर आप देखो ना यहाँ से एरोडाइनमिक इतनी नहीं है गाड़ी, उस हिसाब से एवरेज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, कोई इशू नहीं है। और अब कार वॉश पे जाके इसका जो एक्सटीरियर है ना गाड़ी का, वो आपको दिखाएंगे। तो हाँ जी भाइयों, ये है अपनी गाड़ी बाहर से, पर इसको वॉक अराउंड करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना नहीं पूछना चाहूँगा भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइबर हो भाई, आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, आपके लिए वीडियोस डालता हूँ क्योंकि आप देखते हो। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रखे हैं ऑलरेडी ऑन माय इंस्टाग्राम लिमिटलेस इंडियन ऑफिशियल, नीचे लिंक दे रहा हूँ। अगर आप अपना कोई सुझाव, कोई मैसेज करना चाहते हो तो भाई अपना इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो। मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जसप्रीत आप डेली व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग आप करो हमारे लिए। सो अगर आप भी चाहते हो, सो इस वीडियो में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने भाई चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या अल्टरनेट डेज, लाइक एक दिन छोड़ के एक व्लॉग डाला करूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई एक दिन छोड़ के एक व्लॉग या डेली व्लॉगिंग आप करो, तो नीचे भाई वीडियो को लाइक करो और नीचे अपना कमेंट डाल दो। और भाई साहब इतनी देर लेगा गाड़ी यार। सो डेली व्लॉगिंग जो है ना, नीचे कमेंट में लिख देना और शुरू करते हैं भाई वॉक अराउंड अपनी जीप का। सो ये है 2020 जीप रूबीकॉन पैकेज, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने अपनी जो इंजन कंपार्टमेंट की जो हुड है, हुड पे इन्होंने लगा रखा है रूबीकॉन। उसके साथ भाई अगर मैं गाड़ी को फ्रंट से दिखाऊं, फ्रंट से खुद ही बता रही है कि मैं बहुत ही जालिम मजैल। सब पंजाब के एक सूबा पड़ता है जी माझा, माझे के होते हैं मजैल, और तुम्हारा भाई MJ माइकल जॉर्डन 23। सो ये दो मतलब है इस लाइसेंस प्लेट के। काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि भाई क्या मतलब है आपकी लाइसेंस प्लेट का, सो ये मतलब है अपनी लाइसेंस प्लेट का। तो भाई गाड़ी बहुत ही प्यारी है, LED लाइट से नवाजा गया इसे, जो इसकी हेडलाइट्स हैं भाई बहुत ही प्यारी हेडलाइट्स दे रखी हैं, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं देख लो, उसके साथ में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, इंडिकेटर उसके साथ साथ में, नीचे है हमारे फॉग लैम्प्स, और फॉग लैम्प्स के साथ जो ये बम्पर है ना भाई, पूरा स्टील का बम्पर है, किसी को जाकर ठोकेंगे ना तो इसे कुछ नहीं होगा और उसका कुछ बचेगा नहीं। सो ये टो हुक्स है, अगर आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग, ऑफकोर्स भाई जीप है तो ऑफ रोडर व्हीकल है शुरू से, कहते ना कई जैसे पंजाबी पैदा होते ही कहंट होते हैं भाई पुत्र। एक भाई गौरव गुप्ता है ना, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, कहता भाई हमारे को पंजाबियों के बच्चों को बोला जाता पुत्र। सो जैसे हम पैदा होते ही कहंट होते हैं, वैसे भाई जीप असेंबली से बाहर आते ही जो ये वाला पैकेज है रूबीकॉन रेडी टू गो है ऑफ रोडिंग के लिए। ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसमें जो ऑल ट्रेन टायर्स दे रखे हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे पर थोड़ा टाइम रहेंगे। मैंने ही तो मैंने भाई लेते ही मैंने बहुत प्यारे नए अलॉय व्हील डलवा देने थे। अब ये है कि भाई साहब आज दिन अच्छा ना, सारे के सारे बाहर आ रखे हैं, सारे के सारे शिकारी बाहर आ रखे गाड़ियाँ लेके। सो बात ऐसी है कि जिस अपार्टमेंट में मूव हुआ ना, जो मैंने अपार्टमेंट लिया उसमें जो क्लियरेंस है ना गाड़ी की, जो हाइट बहुत लो है, ये बहुत हार्डली अभी जाती है इन टायरों के साथ, और अगर गलती से मैंने दूसरे टायर डलवा दिए चौड़े और ऊंचे टायर डलवा दिए तो भाई साहब मेरे को ये गाड़ी रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए अभी फॉर नाउ अभी ही नहीं हम कर सकते। अगर हमने आगे कोई प्लान किया घर बेच के दूसरा लेने का या कोई प्लानिंग हुई सो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई ये बात आ गई, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए था फुटरेस्ट, जो कि मुझे बहुत गंदी चीज़ लगी, पर जैसे कि आपको बताया गया ये ऑफ रोडर व्हीकल था, और ये जो है ना ये इंजन की चेसी को और फ्रेम को जो ये साइड्स हैं इन्हें बचाने के लिए, क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो कई बार आप पत्थरों में अपनी गाड़ी को मारते भी हो, सो ये रिमूवेबल है, ऐसे ही ख़राब हो जाए घिस जाए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे आप रिमूव कर सकते हो। पर मैंने इसे रिमूव करके भाई
जल्दी जल्दी मतलब विद इन फ्यू वीक्स मुझे इस पर फुट रेस्ट चाहिए, क्योंकि भाई अपनी हाइट इतनी लंबी नहीं है और चढ़ने में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। ऊपर से मेरी बड़ी बहन मुझे पता वो कल कैसे लटक लटक के चढ़ी है इसके ऊपर। अगर तू वीडियो देख रही है, लव यू दीदी। सो भाई ये है साइड पोस्ट गाड़ी का, साइड से हमारी गाड़ी ऐसी दिखती है, और जो कि मैं कहूँगा कि यार वन ऑफ दी बेस्ट रगेड SUV है जो हमने ले ली है। इसके आगे अगर आप ऑफ रोडर की बात करो भाई कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो बस यही है कि जी वैगन जो भी अपना बजट नहीं है यार, ठीक है ना। उसके बाद जो पीछे जिसने मेरा इतना खर्चा करवाया है यहाँ पे अब आराम से 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 सो 4 बंदे यहाँ पे घुसाएंगे, चाहे बेल्टें 3 है कोई दिक्कत नहीं, पर 3 आराम से बैठ सकते हैं। और अगर कहीं 2 फंस जाएं, जैसे मेरे मम्मी डैडी अकेले आ जाएं कनाडा घूमने के लिए मेरी छोटी बहन को छोड़ के, सो वो दोनों यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे बड़ी बहन बैठ सकती है। पर अभी अगर मैं बात करूँ, मेरी पूरी फैमिली कार बन चुकी है मेरे 5 जानों के लिए, जो मेरी 5 मेंबर्स हैं मेरी फैमिली के। और इसके बाद यहाँ पर अगर अगेन मैं बात करूँ यार, यहाँ पर ना जगह बहुत कम है, अब वही बात आ गई ना, काफ़ी ज़्यादा इसकी धूम मचा रखी है इंडिया के अंदर कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, पर भाई कमियाँ इसमें हैं। सो यहाँ पे आप देख लो कितनी स्पेस है, लग स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। ये नहीं मैं कहता कि इंडिया के मुकाबले, तो भाई इंडिया के मुकाबले कई गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, पर अगर इसी प्राइस की मैं बात करूँ, एक और गाड़ी इसी प्राइस में मुझे मिल जाती जिसका मैं रिव्यू कुछ टाइम में करूँगा, पर भाई ये बात है कि अगर उस गाड़ी का अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, लेग रूम बहुत ज़्यादा कम लेग रूम है। और भाई अगर मैं आ जाता हूँ इस साइड, देख सकते हो आप भाई साहब माचो माचो मैन माचो मैन। अब भाई साहब बॉडी बूडी बनानी है, फिट फुट होना पड़ेगा भाई, सीधी बात है ना। सब ये अगर देखूँ रियर से स्टपनी नेकेड है जिस पे प्रॉपर कवर होना चाहिए था, इतना ज़्यादा पैसा लिया भाई, एक जीप वालों कवर डाल देते तुम्हारा क्या जाता। पर बैकअप कैमरा, जो कि मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है जीप के अंदर, जिस हिसाब की जीपें होती थी पुराने टाइम में, और आज के ज़माने के हिसाब से इन्होंने इसको एक लग्जरी SUV की तरह बना के पेश किया अपने, कहते हैं ना, चाहने वालों के लिए और हमारे जैसे लकी बंदों के लिए जो भाई इसे अफोर्ड कर पाए, जो इसे खरीद पाए। तो बंद कर देते हैं। सो उसके बाद इसके साथ हम इसका देखेंगे बूट स्पेस, गाड़ी के अंदर जगह कितनी है भाई, कितनी जगह है कितनी जगह नहीं है। तो यार ये है कि आप इसके अंदर आराम से मेरे जैसे तो 2 डाल के लेके जा सकते हो, ठीक है। साथ में इसमें आपको मिल जाता है जी सबवूफर, अंदर आ जाएंगे यार, जूते की भी पूरी टॉर मारेंगे भाई जूतों की, देख रहे हो वाइट शूज। तो भाई साहब ये अल्पाइन का इसके अंदर आपको सबवूफर दे रखा है इन बिल्ड, जो कि मैं कहता हूँ कि यार अल्पाइन का जो सिस्टम इन्होंने लगा दिया ना इस गाड़ी के अंदर, अगर कोई मेरा लकी सब्सक्राइबर कनाडा में है, स्पेशली विंडसर टोरंटो और यहाँ इस एरिया में है भाई, मैं आपको प्लीज़ गाड़ी में एक राइड देना चाहूँगा, ताकि आपको मैं वीडियो में दिखा सकूँ और आप बताओ कि सिस्टम कितना बढ़िया है जेन्युइनली, क्योंकि आई वॉन्ट एटलीस्ट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टू एक्सपीरियंस द सिस्टम इन दिस कार, ताकि मज़ा आ जाए मेरे यार। तो ये रोल केज है सारा गाड़ी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ उतर जाता है आने वाली वीडियोस में, आने वाले व्लॉग्स में होगा ऐसा भी कुछ। अभी तो भाई तुम्हारा पूरा ज़िंदगी जी रहा, थोड़ी पी तो नहीं रहा अभी भाई, अभी तो नज़ारे ले रहा हूँ। तो ये उतर ऊपर से हट गया, ये है कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ है ना, खाना खुना लेके आओ यहाँ पर आराम से बैठो, यहाँ पर बैठ के खाओ और लोग तुम्हारी स्लैम चैटे बना रहे हो, जो कि एक आधा मैं देख सकता हूँ बना रहा बना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है। सो इस साइड पे भी थोड़ी सी स्टोरेज है, यहाँ पे भी घुसा दो कुछ ना कुछ, इस साइड पे थोड़ी सी स्टोरेज है। और गाड़ी से नीचे उतरेंगे लो जी, तो गाड़ी से नीचे उतर के अगर हम देखेंगे इस साइड पे, तो ये है जी थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा तो नेकेड बॉडी है इसकी, जो लाल पेंट है गाड़ी का, और इसकी जो ये सीटें हैं ना यार, ये मतलब वन ऑफ द पार्ट था, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि मैं इसे यूज़ करूँगा इस चीज़ को कि नहीं, पर यार सीरियसली अगर तुम्हारे भाई ने कुछ US में लंबी ट्रिप्स मारी और रोड ट्रिप्स का प्लान होता है ना, तो उस टाइम पे ये हो जाता है कि हमारे पास एक अपना गाड़ी के अंदर बेड है, हमें कोई होटल शोटल कोई और चीज़ लेने का, अरे भाई साहब गाड़ी के पेपर हैं इसमें, वो ध्यान से भाई ध्यान से ले भाई। सो अभी
ये बोतल जो है ना, बोतल लड़ रही है, इसे फेंक देंगे आगे। देख रहे हो अपनी गाड़ी, टेंशन ही नहीं है कोई। तोड़ो गाड़ी को, तोड़ो। अरे क्या तोड़ दिया भाई, अरे अब क्या तोड़ दिया। अरे यार भाई, ट्रक की एयर चेक करने के लिए हथौड़ी होती है यार। फक मैन, फक। बना लो वीडियो, पर ये मैं डालूंगा भाई, ये मैं डालूंगा इससे, ताकि आपको एफर्ट मेरा पता लग सके कि वीडियो बनाने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता है। तो भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक मार देना प्लीज़ मेरे गाइस भाईस। गाइस भाई, ये देखो डब्बे तोड़ दिया भाई साहब। आ जा भाई, अब तो चली जाएगी ये, अभी भी प्रॉपर नहीं है, पर आपको एक अब पता लग जाए। अब तो चार पांच चीज़ें तोड़ा के मानोगे क्या? तो भाई ये बन गया हमारा पीछे बेड। तो ये बेड जो है ना, बहुत काम आएगा। कहीं रोड ट्रिप मारनी है, क्रॉस कंट्री करनी है भाई, कनाडा पूरा घूमना है, उसके बाद यूएसए, कैलिफोर्निया से होते हुए न्यूयॉर्क तक आना है, और न्यूयॉर्क तक आके फिर घर को टोरंटो की साइड वापस आना है। तो भाई उस टाइम पे मस्त चीज़, एक नंबर चीज़। अभी इसे बंद कर देंगे, पीछे भी वाइपर दे रखे हैं, महंगी बातचीत। लो जी, कर दी गाड़ी बंद, तब सीट उठा देंगे। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब मम्मी मेरी देखेगी, मम्मी मेरी कहेगी थोड़ा ध्यान ना कर लिया कर, तू अन्ना होया वा, तेन दीदा नहीं, नुकसान फड़िया वा। चल भाई, अब इस सीट को उठा देंगे। हाँ, तो भाई उसके बाद मैचिंग कलर होते तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट मैचिंग भी आता है इस गाड़ी में, जो हमें नहीं मिला। वह होता ही है कि यार आपको एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी आप जब भी लेते हो, आप गाड़ी की डील से देखते हो कि आपको कैसी डील मिल रही है, किस प्राइस पे आपको गाड़ी मिल रही है, कौन सी गाड़ी मिल रही है। मैंने कलर में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने इस मैचिंग कलर में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पर भाई जो गाड़ी में मेरे को डील मिली है ना, वो अनबीटेबल है। कोई सब्सक्राइबर मिलेगा, कोई भाई मेरा यहाँ पे कनाडा में हांडता मेरे को दिख गया, या आपने मेरे को देख लिया, आवाज़ मार लेना भाई, मिलेंगे, चाय काफ़ी पियेंगे, और तब आपको बताऊँगा कैसी डील मिली थी। चार गाड़ियाँ, ये मेरी अब चौथी गाड़ी है तुम्हारे भाई की लास्ट दो साल में। सो 2019 जनवरी में हम लाए थे 2014 कमैरो, उसी साल ईयर एंड में 2017 कमैरो, लास्ट ईयर सितंबर में टकोमा लिया था, और अब हमने लिया जी जीप रैंगलर रूबीकॉन। चारों गाड़ियां रखने के बाद अब इस गाड़ी में 99.9% मैं श्योर हूँ मैं $1,000 लूज़ करूँगा, पर जो मैंने लास्ट तीन गाड़ियां चलाई, हंडाई इंजॉय करी, उनमें मैंने सिर्फ 4,000 से 5,000 जो कनेडियन डॉलर है, जो बनते अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए, मैंने किए हैं लूज़। अब इसमें अगर किसी को कोई शंका हो, 1 करोड़ की शर्त लगा लेना, और आपको प्रूफ भी दिखा दिए जाएंगे। लेके चलते हैं अपनी जीप अंदर। यही थी भाई हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आया हो, अपना भाई जसप्रीत पसंद आया हो भाई की तरह, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बने रहो लिमिटलेस इंडियन के साथ।